नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। अब चुनाव रणनीति तेज हो गई है, हर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी का दावा तो कर रहा है, साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं विकास की। हर उम्मीदवार विकास की बात करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उसे चुनाव में टिके रहना है, जीतने की उम्मीद भी उन्हें लग रहा है। हम बात करेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र के, तो जहाँ से महायुति के उम्मीदवार रमेश महात्रे इन दिनों अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने व आश्वासन देने में पीछे नहीं हैं। लेकिन उसी दौरान प्रहार टाइम्स के रिपोर्टर सबिया हुसैन शेख ने क्या बातचीत की है कैंडिडेट जो महायुति के हैं रमेश महात्रे से, पहले आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से, मैं सबिया हुसैन शेख। हम खड़े हैं दहिसर पिंपरी ग्राम पंचायत के ठाकुरपाड़ा परिसर में। हमारे साथ मौजूद है 144 कल्याण ग्रामीण भाजपा शिवसेना रमेश महात्रे, आइए उनसे बात करते हैं। महात्रे सर, आपके सामने मनसे के राजू पाटिल खड़े हो रहे, तो इस पर आप क्या कहोगे? मनसे और इसके बारे में कहना बोलेगा तो हर पार्टी अपना अपना लड़ सकती है, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यों लड़ रहे हैं उसका ये सवाल पूछेगा तो उनके लिए कोई धोरण है ही नहीं कि पब्लिक के लिए लड़ना चाहिए। पब्लिक का कोई बड़ा वर्क करते हैं वो लोग, या कुछ बड़े काम किए पब्लिक के लिए किए हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। शिवसेना को तब्लीग देना यही खाली उनका एजेंडा है। शिवसेना के MLA सुभाष भोईर थे, अब वो टिकट आपको दिया जा रहा है, तो आप इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाओगे? बड़े अच्छी तरह से निभाऊंगा, क्योंकि 20 साल से मैं कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर हूँ, अभी भी हूँ मैं तो। कल्याण, डोंबिवली, ये दिवा, नवी मुंबई के 14 गांव है, ये सभी का पूरा जानकारी 2009 से मैं यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ की समय हर समस्या का मैं मुझे जानकारी है, और जो कल्याण कॉरपोरेशन के तहत मैं जो काम कर रहा हूँ, कि जब भी एक कॉरपोरेशन कमती पड़ता है किसी काम, बड़ा काम करने में, तो उसका सहारा लेना पड़ता है राज्य शासन से, तो वहाँ कैसा काम करना है मेरे को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इसके लिए ये पक्ष ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी है। और रही बात सुभाष भोईर साहब की, तो पार्टी के लिए, पार्टी तो उनके लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, किसी को खाली नहीं बिठाएगी हमारी पार्टी। आपने देखा ठाकुरपाड़ा के जिस तरीके से रोड है, रोड कहा जाए या ना कहा जाए, आपसे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ के रोड तो पूरे टूटे फूटे हैं, और यहाँ पर घर भी बन चुके हैं पहले से, और भी घर बन रहे, यहाँ ना तो टैक्स लगा है और ना ही घर पट्टी है, इस पर आप क्या कहोगे? गाँव तो ऐसे ही बसते हैं, लेकिन हमारी सत्ता आने के हुए पाँच साल ये बड़े काम करने में, 5 साल तो शुरू करने में ही हो जाते हैं, और हम 10 साल रहेंगे तो देखना कितना बदल होता है यहाँ। बहुत बड़े बड़े काम हो गए, बड़े बड़े कामों का अभी तो शुरुआत हुई है, अब ये शुरुआत हमेशा के लिए रहेगी, और बड़े काम जब है 10-15 साल में ऐसा दिखेगा कि ये यही ठाकुरपाड़ा है क्या, इधर कुछ और नज़ारा और बढ़िया रहेगा यहाँ का। ठाकुरपाड़ा जो है, जो ठाकुरपाड़ा सुभाष भोईर, मतलब शिवसेना के सुभाष भोईर MLA सुभाष भोईर ने यहाँ पे मतलब विकास नहीं किए, और ना ही वो कभी यहाँ पर आए, अब आप यहाँ पर क्या विकास करोगे, आप बता सकते हो? यहाँ तो बहुत सारे भाई साहब मेरे पहचान वाले हैं, आप किसी कंप्लेंट करेंगे तो भी याद समझ सकते हैं ना कि यहाँ कुछ कमियाँ है, या तो कुछ आना ही चाहिए, आने के बाद भी तो या तो बुलाना चाहिए MLA को आप लोगों ने, अगर आपने कमी है तो। ऐसे तो माँ भी नहीं बच्चों को दूध पिलाते जब उसको रोता नहीं। कभी सुभाष भोईर, आप जैसा कह रहे हैं कि आपने MLA को बुलाना चाहिए था, लेकिन ये ठाकुरपाड़ा तो सुभाष भोईर के इसमें ही मतलब इसमें बना है, तो सुभाष भोईर का ये काम नहीं बनता था कि वो आके यहाँ पे एक बार मुआयना करे या जायजा ले इस जगह पर? तो आप भी अगर जीत जाते हो तो आपको बुलाएंगे तभी आप ठाकुरपाड़ा में आएंगे? हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है, कोई आदमी लोगों में आने के बाद उनसे पूछता है, कोई आदमी लोग बताने के बाद काम करता है। हम तो ऐसा सब गरीब श्रीमंत सेठ ऐसा कभी नहीं देखता है, और मैं पब्लिक में जाके काम करने वाला हूँ, तो मेरे को सब मालूम पड़ता है, तो मैं काम करूँगा, इसीलिए तो 20 साल से चुन के आता हूँ ना मैं। तो कहीं आप जीतने के बाद सिर्फ यहाँ की जो जनता है, यानी 5,500 की यहाँ पे आबादी है, तो आप यहाँ पे विकास लाओगे या सिर्फ यूं ही इलेक्शन जीतने के बाद हट जाओगे कि यहाँ की जनता जिए या मरे? जो जीतने के बाद मुंह फेरता है वो राजनीति करता है,
हम शिवसेना वाले, हम 80% समाज नीति करते हैं और सिर्फ 20% राजनीति करते हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मात्रे सर इस इलेक्शन जीतने के बाद कितना इस पर, इस बात पर अपने खरे उतरते हैं। तो आपने सुना रमेश महात्रे जो ग्रामीण से हैं, महायुति के उम्मीदवार हैं और अब विकास की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।